हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो हम जो है 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट, उसके कुछ वीडियो हमने अपलोड करे थे, उसी सीक्वेंस में हमारा आज का 7वां वीडियो है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा। मोल कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि मोल क्या चीज है, मतलब मोल से क्या फायदा होता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा क्लास 11th यूनिट फर्स्ट और वीडियो नंबर 7, हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ठीक है, ध्यान से देखो सब। मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट में सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि मोल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूज किया। तो मोल टर्म का जो यूज किया था वो किया था ओस्टवाल्ड ने। सब ध्यान रखेंगे कि मोल टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था? ओस्टवाल्ड। आपने ओस्टवाल्ड का नाम सुना ही होगा। उसके बाद अब आते हैं डेफिनेशन पे, परिभाषा की बात कर रहे हैं। चलो, मोल की परिभाषा क्या है? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी 6.022 × 10²³ इकाइयां उपस्थित होती हैं। यानी कि आप कोई भी पदार्थ ले लो और उस पदार्थ का यदि आपको एक मोल पता करना है कि एक मोल किसे कहते हैं, तो एक मोल का मतलब उस पदार्थ की कितनी यूनिट, कितनी इकाइयां होनी चाहिए। 6.022 × 10³। यदि आपको किसी भी पदार्थ की इतनी इकाइयां आपको मिल गई 6.022 × 10³, तो समझो कितना है वो, एक मोल है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मोल की जरूरत क्यों पड़ी हमें, मतलब हमें क्यों जरूरत पड़ी मोल की, क्या ऐसी आवश्यकता थी? आवश्यकता ये थी कि आप कोई भी केमिकल कैलकुलेशन करोगे ना, कोई भी रासायनिक गणना करोगे, तो रासायनिक गणनाओं में यूज क्या होते हैं? रासायनिक गणनाओं में यूज होते हैं अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, इनके साइज बहुत छोटे हैं और इनका साइज मीन्स आकार इनका बहुत छोटा है। इसलिए यदि आप किसी भी पदार्थ का छोटा सा भी पार्ट लोगे, सूक्ष्म हिस्सा लोगे, यानी कि बहुत कम मात्रा में किसी पदार्थ को लोगे ना, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा संख्या में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत ज्यादा संख्या में होंगे। और जब ये बहुत ज्यादा संख्या में होंगे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने जो है इन इतनी बड़ी कैलकुलेशन या इतनी बड़ी संख्याओं को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए एक नया मात्रक खोजा और उस नए मात्रक का नाम रखा मोल। आप 9th क्लास में भी पढ़ते होंगे मूल मात्रक, मूल राशियां, फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रकों में आपने जरूर पढ़ा होगा मोल। क्या पढ़ा होगा? मोल। तो मोल जो है एक मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा को नापने का। और आपको सबको पता होना चाहिए कि एक मोल का मतलब 6.022 × 10³³ यूनिट या इकाइयां। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि एक दर्जन केले का मतलब कितने केले, तो आप कहोगे जी 12 केले, और कितने केले, तो एक दर्जन केले का मतलब 12 केले। इसी तरीके से एक मोल केले यदि मैं पूछ लूं कि एक मोल केले का मतलब कितने केले, तो आप कहोगे कि एक मोल केले का मतलब 6.022 × 10³³ केले। तो आप एक मोल केले ले लो, एक मोल सेब ले लो, एक मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, एक मोल प्रोटॉन ले लो, किसी भी पदार्थ का एक मोल ले लो आप, तो जिसका भी आप एक मोल लोगे उसमें उसके कितने यूनिट होंगे? 6.022 × 10³³ यूनिट। क्लियर है? तो देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो हमने बात करी कि ये डेफिनेशन है मोल की, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी 6.022 × 10³³ इकाइयां उपस्थित होती हैं। कितनी इकाइयां? 6.022 × 10³³ इकाइयां। इस संख्या को याद रखेंगे और एक याद रखेंगे कि मोल शब्द किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने। एक बात यह ध्यान रखनी है आपको कि मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। आप किसी भी रिएक्शन में यदि किसी भी कहीं भी आप मोलों की संख्या यदि निकाल लोगे तो मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद एक चीज ये याद रखनी है आपको, ये क्या है कि 6.022 × 10³³ को कहते हैं एवोगेड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगेड्रो नंबर। और किससे प्रदर्शित करते हैं? एन ए से। तो आप ध्यान रखेंगे कि 6.022 × 10³³ को आप एवोगेड्रो नंबर कहोगे। इस संख्या को बोलने से अच्छा आप कहो एवोगेड्रो नंबर, और एवोगेड्रो नंबर को बोलने से अच्छा कहो एन ए। ठीक है, एन ए का मतलब एवोगेड्रो नंबर, या हिंदी में कहते हैं अवोगाड्रो संख्या। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, चलो इनके बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो है इन्होंने लिख रखा, हमें पता चल गया एक मोल का मतलब 6.022 × 10³³ यूनिट। जैसे कोई हमारे से पूछ ले कि एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो हमने देखा एक मोल हाइड्रोजन परमाणु,
1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में होंगे 6.022 × 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे? 6.022 × 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु। जैसे एक दर्जन मारे 12 के लिए, एक दर्जन का मतलब है 12, तो 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10 की घात 23। अब जैसे किसी ने पूछा 1 मोल CO2 अणु है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु है, तो इसमें कितने CO2 होंगे? तो 1 मोल CO2 अणु में होंगे 6.022 × 10 की घात 23 CO2 अणु, इसमें इतने CO2 के अणु होंगे। और यदि किसी ने पूछा 1 मोल Cl नेगेटिव आयन है, तो इसमें कितने Cl नेगेटिव आयन होंगे? तो 1 मोल Cl नेगेटिव आयन का मतलब 6.022 × 10 की घात 23 Cl नेगेटिव आयन। इसी तरीके से 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होंगे 6.022 × 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मोल प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन होंगे? 1 मोल प्रोटॉन में होंगे 6.022 × 10 की घात 23 प्रोटॉन। 1 मोल न्यूट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? ये न्यूट्रॉन है 0 N1। 1 मोल न्यूट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 6.022 × 10 की घात 23 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 मोल NaCl में कितने NaCl होंगे? 6.022 × 10 की घात 23 NaCl। तो आपके समझ में आया कुछ? आपके समझ में आया होगा कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल लो तो इसका मतलब है 6.022 × 10 की घात 23 पदार्थ की यूनिट। जैसे मैं कह दूं 1 मोल आदमी, इसका मतलब 6.022 × 10 की घात 23 आदमी। ठीक है, मैं कहूं 1 मोल घोड़े, इसका मतलब 6.022 × 10 की घात 23 घोड़े। तो 1 मोल का मतलब एक निश्चित संख्या ही तो है, 6.022 × 10 की घात 23। अगली बात कर रहे, देखो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये तो हमें पता चल गया कि 1 मोल का मतलब होता है उस पदार्थ की 6.022 × 10 की घात 23 यूनिट। और इन संख्या को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर का किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Na से। अगली बात कर रहे, तो पहली बात तो आपकी समझ में आ गई कि 1 मोल का मतलब क्या है। दूसरी बात यहां से स्टार्ट हो रही, ध्यान से देख लो आप। किसी परमाणु के 1 मोल का भार कहलाता है परमाणु भार, यानी कि किसी पदार्थ के 1 मोल का जो भार आप निकाल लोगे वो उसके परमाणु भार के बराबर होगा। यहाँ लिखा हुआ है किसी परमाणु के 1 मोल का भार किसके बराबर होगा? परमाणु भार के। किसी अणु के 1 मोल का भार किसके बराबर होगा? अणु भार के। और किसी आयनिक यौगिक के 1 मोल का भार किसके बराबर होगा? सूत्र भार के। आयनिक यौगिकों को अणु भार ना कह के उनका सूत्र भार कहा जाता है, वैसे तो नॉर्मली अणु भार भी कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई सहसंयोजक यौगिक है तो उसका तो अणु भार बोलते हैं, और आयनिक यौगिकों को बोलते हैं सूत्र भार। तो यदि किसी परमाणु का 1 मोल लोगे, किसी अणु का 1 मोल लोगे, किसी आयनिक यौगिक का 1 मोल लोगे, तो उनके परमाणु भार अणु भार या सूत्र भार के बराबर होगा, किसमें? ग्राम में। तो इसके 1 मोल किसी भी परमाणु अणु या आयनिक यौगिक के 1 मोल का जो भार होता है ना, उसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, ग्राम में। आप ध्यान रखियो इस चीज को कि मोलर द्रव्यमान या मोलर मास का मतलब है 1 मोल का द्रव्यमान या 1 मोल का भार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो इस चीज को। 1 मोल परमाणु का भार परमाणु भार के बराबर होगा, 1 मोल अणु का भार अणु भार के बराबर होगा, 1 मोल आयनिक यौगिक का भार सूत्र भार के बराबर होगा। और इन तीनों को अलग अलग ना बोल के मोलर द्रव्यमान कह दो या मोलर मास कह दो आप। जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो जैसे मैं आपको ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का भार। मान लो आपने 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु लिए और उनका भार देखना हमें कितना होगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का भार उनके परमाणु भार के ही तो बराबर होगा, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 ग्राम, ये लिख दिया 1 ग्राम। तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का भार 1 ग्राम होता है, बिल्कुल ठीक है। 1 मोल सोडियम परमाणुओं का भार, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। तो ये हो जाएगा 23, 23 ग्राम। 1 मोल CO2 का भार, अब CO2 तो परमाणु नहीं है भाई, CO2 तो अणु है, और जब CO2 अणु है तो इसका परमाणु भार तो लिख नहीं सकते हम, क्या लिखेंगे? अणु भार लिखेंगे। तो CO2 का अणु भार कितना होता है? कार्बन का तो होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया? 44 हो गया। तो ये हो गया 44 ग्राम। तो 1 मोल CO2 गैस लोगे उसका भार 44 ग्राम होगा। 1 मोल NaOH का भार कितना होगा? 40 ग्राम, क्योंकि NaOH का अणु भार कितना होता है? 40। 1 मोल NaCl का भार, 1 मोल NaCl का भार निकाल लोगे तो इसमें Na और Cl का जोड़ लो आप, अणु भार या फिर सूत्र भार कहो इसे, सूत्र भार, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है ना। तो 23 और 35.5, तो ये हो गया 58.5, 58.5 ग्राम। 1 मोल Na2CO3 का भार,
Na2CO3 का अणु भार होता है 106, तो ये हो गया 106 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पदार्थ का एक मोल लोगे ना, यहाँ देखो एक मिनट, यहाँ किसी भी पदार्थ का एक मोल लोगे तो एक मोल का भार या तो उसके परमाणु भार के बराबर होगा, या फिर उसके अणु भार के बराबर होगा, या फिर उसके सूत्र भार के बराबर होगा। और इन सारों को अलग अलग ना बोलकर क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। ये इसके ऊपर कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन थे। और तीसरी बात समझनी ध्यान से सब बच्चों को, ये तीन ही बातें समझनी है। तीसरी बात ये है कि एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है ना 22.4 लीटर होता है, और इसे कहते हैं मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम। तो किसी कोई सी भी गैस ले लो आप, कोई सी भी गैस, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सब क्यों है कि एनटीपी पर देखना हमें, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे एक मोल H2 का आयतन, तो एक मोल हाइड्रोजन का आयतन होगा 22.4 लीटर, ठीक है। कोई सी भी गैस हो, हर एक गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर ही होगा यदि आप गैस को एनटीपी पर लोगे। एक मोल O2 का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। एक मोल CO2 का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। एक मोल N2 का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। तो किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर तो होता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि मोल कंसेप्ट के बारे में आपके काफी कुछ समझ में आया होगा, और इस मोल कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप मोल कंसेप्ट से, मोलों की संख्या से कैसे अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या और कैसे भार और आयतन निकाल सकते हो किसी भी पदार्थ का या गैस का, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखो। यदि आपको वीडियो एक बार देख के समझ में ना आता हो तो वीडियो को रिपीट करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो। आप वीडियो की स्पीड यदि आपको स्लो लग रही हो तो आप जो है राइट साइड में 3 डॉट हैं, उन डॉट पे जाके स्पीड को चेंज कर सकते हो। प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। यदि आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो उसे स्लो कर लो, और यदि स्लो लग रही है तो उसे फास्ट कर लो। आप अपने आप उसकी चेंज कर सकते हो स्पीड, ठीक है। और पढ़ाई को एंजॉय करो, ठीक है। अगले वीडियो को आप ध्यान से समझना, जो दिखाया जाएगा वो भी मोल कंसेप्ट के बारे में होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके बाय।